हेलो स्टूडेंट्स एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बज चुके दोपहर के एक और जैसा कि आप सभी को पता है ठीक दोपहर के एक बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास तो जल्दी से फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके बिल्कुल गुड आफ्टरनून अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैं बहुत अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है आज होने जा रहा है हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी या जिसको कंप्यूटर की मेमोरी कहा जा जाता है ठीक है तो सभी लोग आ चुके हैं भाई जल्दी से आ जाइए फटाफट से गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अ वेरी गुड आफ्टरनून बिल्कुल कॉपी और पेन रखिएगा अपने साथ क्योंकि बहुत काम आने वाला है इस टॉपिक के अंदर चीजों को नोट करने के लिए चलिए तैयार है सभी लोग तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की क्लास को मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के नाम चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे समझते हुए चलेंगे ना चलिए कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं जाहिर सी बात है अगर आप अंदर से मजबूत ना तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको गिरा सके अगर हम गिरते हैं तो वो अपने अंदर की कमियों की वजह से गिरते हैं लेकिन कोई अपने अंदर की कमी देखता ही नहीं सबको लगता है भैया मैं तो परफेक्ट हूं सामने वाले में ही कमी होगी लेकिन असलियत ही होती है कमी हमारे अंदर ही होती है देखो अगर आप अपने अंदर की कमी को नहीं सुधार सकते तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि सामने वाले की कमियां सुधर जाए जाहिर सी बात है तो जो समय आप सामने वाले को दोगे अगर उतना ही समय आप अपने आप को दो और अपने ऊपर मेहनत करो तो जाहिर सी बात है आपको रास्ते मिलेंगे ना कि बहाने उसी के साथ स्टार्ट करते फिर अपने आज के टॉपिक को और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में क्या होती है कंप्यूटर की मेमोरी जिसके माइंड में जो भी चीजें आती हो थोड़ा थोड़ा बताते चलो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब क्या होता है बताइए जरा जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही है ठीक है बातें बाद में करना बातें काम नहीं आती ठीक है काम आती है केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज जो आपको कभी जो आपसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता वो आपकी ही रहेगी हमेशा बताइए जरा कंप्यूटर की मेमोरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इससे आप क्या समझते हैं क्या होता है क्या मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी का आंसर आना है, स्टार्ट हो चुका है ओके करें क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब कंप्यूटर की मेमोरी देखो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त या एक ऐसी जगह जहां पर आप कुछ चीज को स्टोर करके रख पा रहे हो कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर आपकी चीजें जहां पर आपके डेटा को स्टोर करके रखा जा रहा हो अब चाहे आप डेटा को कम समय के लिए स्टोर करके रख रहे हो और चाहे आप डेटा को ज्यादा समय के लिए स्टोर करके रख रहे हो वो होती मेमोरी के अंदर ही है ठीक है तो कंप्यूटर की मेमोरी की अगर मैं बात करती हूँ तो जाहिर सी बात है जैसे हमारे अंदर दिमाग होता है या आप बात करो सैरी विलम हो गया सैरीवरम हो गया कि भाई चीज़ों को कहाँ पे स्टोर करके कैसे रखना है उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है और कंप्यूटर की मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा जाता है तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट भी हो चुका है स्टोरेज डिवाइस अच्छा दो चीजों में मैं और भी आपको चीजें ऐड करके बता देती हूँ एक होती है मेमोरी और एक होती है स्टोरेज मेमोरी का मतलब कम समय के लिए स्टोरेज का मतलब लंबे समय के लिए होता है ठीक है हम बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में तो डायरेक्टली आते हैं टू द पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की मेमोरी को कितने हिस्सों में बांटा जाता है बताइए जरा कंप्यूटर की मेमोरी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बिल्कुल स्टोर करने वाली चीज़ या स्टोर करने वाली जगह को ही मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को कितने हिस्सों में बांटा जाता है तो ये दो टाइप की होती हैं दो प्रकार की होती है एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं प्राइमरी मेमोरी जिसको हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हिंदी में सहायक मेमोरी भी कहा जाता है कौन सी जिसको हिंदी में सहायक मेमोरी कहा जाता है चलो चलते हैं आगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है प्राथमिक क्या सेकेंडरी क्या सहायक क्या तो पहले इसको समझेंगे उसके बाद लिखेंगे हम दुकान पर गए ठीक है चलो दुकान छोड़ो आजकल तो कोई दुकान पर जाना नहीं चाहता हम चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करें घर में ही आकर भैया जी देकर चले जाए सामान नहीं पर इसमें बहुत फ्रॉड भी होता है तो ध्यान रखो आपने अगर कोई मैं आपको बता रही हूं अवगत करवा रही हूँ चीजों से क्योंकि ये चीजें होती हैं ठीक है थीके? मेरे साथ भी हुई हैं अगर आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो सपोज आपने कुछ तीन चार चीजें ऑर्डर करी इकट्ठा ठीक है और सेम डेट पे डिलीवरी हुई आपको वो तीन चीजें मिली आप एक बार उसको पढ़ के देख लेना कि जो आपने ऑर्डर किया है वही आया है ना कई बार ऐसा होता है आप ऑर्डर करते नहीं हो वो भी सामान उसी के साथ लपेटे में दे देता है और ये ज्यादातर करते हैं फुटकर विक्रेता साथ में ताकि उनका सामान भी निकल जाए ठीक है चलो ये तो खैर अवगत करवाने की बात थी कि ऑनलाइन अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो तो जो भी पार्सल आता है जरा उसको देख कर मैच कर लिया करो कि आपसे ही तो है यस भैया से कह दिया करो कि फोन उसी को करो मेल उसी को करो तो पता चल जाएगा कि आपका है कि या फिर वो लपेटे में दे रहा है चलो तो अगर हम बात करते हैं मेमोरी की मेमोरी के अंदर आप कोई सपोज ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप किसी फोन को खरीदते हो आपका है कोई लैपटॉप खरीदने का कंप्यूटर खरीदने का या मोबाइल फोन खरीदने का जो भी चीज आप खरीद रहे हो हम तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे तो जो उसके अंदर लगी हुई मेमोरी आई है जो पहले से उसके अंदर लगी हुई मेमोरी आई है वो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है और जिस मेमोरी को आप बाजार से जाकर अलग से खरीदते हो ताकि आपके फोन की मेमोरी भर ना जाए तो वो सहायता कर रही है अलग से आप उनको खरीद रहे हो वो सहायक मेमोरी कहलाती है मतलब वो मेमोरी जो पहले से आपके फोन के अंदर डली हुई आई है वो प्राइमरी मेमोरी है प्राथमिक मेमोरी और जिन मेमोरी को बाजार से अलग से जाकर खरीदा जाता है तो वो सहायक मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है इसको एक और नाम से जानते हैं ऑग्जलरी मेमोरी भी कहते हैं ठीक है शुरुआत करते हैं प्राइमरी मेमोरी के साथ तो कौन सी मेमोरी है जो पहले से ही सिस्टम के अंदर लगी हुई आती है तो इसके अंदर आती है आपकी रैम अभी पहले एक चार्ट बना लेना उसके बाद में सारी चीजें और डिटेल में बता दूंगी और कौन सी मेमोरी लगी हुई आती है रोम मोबाइल फोन खरीदते हैं वहां पर देखते हैं ना भाई रैम रोम ये पहले से लगी हुई आती है कितनी जीबी दो जीबी रैम है सोलह जीबी रोम है तीन जीबी रैम है आपकी बत्तीस जीबी रोम है चार जीबी रैम है चौसठ जीबी रोम है छह जीबी रैम है ऐसे करते करते आगे आगे चलती रहती है एक सौ अट्ठाइस तो रोम रोम और कैश ये तीन एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है या प्राथमिक मेमोरी के अंदर आती है रैम के भी प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं रैम में भी एक होता है आपका एस रैम अभी फुल फॉर्म लिखेंगे सब कुछ आगे और एक होता है डी रैम डी रैम के अभी प्रकार होता है एस डी रैम क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है ये सब चीजें भी देखेंगे करके रोम के अंदर टाइप आते हैं इसके तीन प्रकार आते हैं एक आता है पी रोम रोम के अंदर होता है एक ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम आगे अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी मेमोरी में तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है वो सारी मेमोरी जिनकी जिनका जिनकी मदद आप लेते हो एक तरीके से अगर मैं बात करूं फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाएगी सी डी डी बी आर डी इसी के अंदर आ जाएगा पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड भाई इसको बाजार से खरीद के नहीं फोन में लगा लेते हैं इसी के अंदर आ जाती है हार्ड डिस्क और एटसेट्रा वो सारी चीजें जो आप बाहर से लेकर आते हो और अपने कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देते हो या लगा देते हो ठीक है क्लियर है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हार्ड डिस्क हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है ये क्या सा सवाल है भाई हार्ड डिस्क उसका नाम ही हार्ड रखा गया इसलिए फ्लॉपी लचीली होती है ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए इसका नाम फ्लॉपी डिस्क रखा जाता है ठीक है इसको बना लो जल्दी से फटाफट से फिर मैं आगे चलती हूँ और भी चीजों को यहां पर समझाती हुई चलूंगी क्लियर है एक एक करके सारी चीजों को समझें किसका मतलब क्या होता है क्या होता है रैम क्या होता है रोम चलिए तो शुरुआत करते हैं यहां पर हम किस चीजों से लेकर तो यहां पर स्टार्टिंग करते हैं हम RAM से। मेमोरी को स्टार्ट करते हैं हम यहां से प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम से पढ़नी शुरू करते हैं स्टार्ट तो यहां पर सबसे पहले नोट करेंगे प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले हम लोग यहां पर कवर करेंगे प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या जिसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है ठीक है सबसे पहला इसमें अंदर हम पढ़ने वाले हैं रैम की चिप रैम के बारे में क्या होता है रैम रैम की फुल फॉर्म क्या होती है तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी अगर आप इसकी फुल फॉर्म पे जरा ध्यान दे दो ना तो आधी चीजें तो वहीं पर क्लियर हो जाएंगी रैंडम ये चीजें लिखनी होंगी आपको अपने प्यारे हाथों से ठीक है क्योंकि लिखावट वाली नोट्स नहीं मिलते क्वेश्चन वाले नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडमली कुछ भी उठाई जा रही है क्यों उठाई जा रही है क्योंकि वर्तमान में इस्तेमाल करने वाली मेमोरी रैम ही होती है और रैम कोई मेमोरी होती है ये इस चिप की तरह होती है ये रैम स्लॉट होता है आपके मदरबोर्ड पर और उस स्लॉट के अंदर लगाई हुई चिप ही आपकी क्या होती है उसी चिप को कहा जाता है कि ये आपकी रैम है रैम चिप होती है ये, बढ़ सकती है चार जीबी है छह जीबी एक्सटेंड कर सकते हो अलग चिप ला लगा दो तो रैम आपकी एक चिप होती है जिस जो काम क्या करती है इसको क्यों लगाया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर तो वर्तमान के वर्तमान के एक्शन को वर्तमान के काम को करने के लिए वर्तमान के काम को करने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान के काम को करने के लिए रैम का यूज होता है या रैम का इस्तेमाल किया जाता है मतलब ऐसे समझो अभी आप लोग ये क्लास देख रहे हो ठीक है ये क्लास चल रही है मैं जो चीजें लिख रही हूं आपको तुरंत दिखाई दे रही हैं ये सारी चीजें जो भी प्रेजेंट में काम होता है वो आपके रैम पर होता है तभी रैम हमेशा कम होती है दो जी बी तीन जी बी चार जीबी छ जी बी क्यों इतनी कम होती है भरती क्यों नहीं है आपने कभी सुना है रैम भर जाए रोम भर जाती है स्पेस स्टोरेज के ज्यादा हो जाती है आपको फिर डिलीट करना पड़ता है पर क्या कभी आपने रैम भरी हुई सुनी है नहीं भरती है। वो अलग बात है हैंग कर जाएगा सिस्टम जब वॉर्म आ जाएंगे जब वायरस आ जाता है लेकिन रैम कभी भरती नहीं है क्यों नहीं भरती है क्योंकि रैम एक खाली डिब्बा है जब आपको इस्तेमाल करना है वर्तमान में प्रेजेंट में जब काम करना है तब काम उसमें आता है जब आपने काम खत्म कर दिया तो काम उससे चला गया वो डिब्बा खाली हो गया आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है ठीक है मैंने ये वाली वीडियो देखी एक बजे वाली दोपहर एक बजे वाली आपकी कंप्यूटर की क्लास ठीक है मैं ये देखती जैसे मैंने इसको ओपन किया ये वीडियो चल रही है जब तक ये वीडियो चलेगी मेरे रैम पर इस्तेमाल हो रही होगी रैम यूज हो रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी पर चल रही है चिप पर जैसे ये वीडियो मैं बंद कर दूंगी और फोन को स्विच ऑफ कर दूंगी क्लास खत्म मैंने वीडियो बंद करी फोन को स्विच ऑफ कर लिया जैसे ही मैंने फोन को स्विच ऑफ किया पावर भी ऑफ कर दो नॉर्मली इसको बंद कर देते हैं तो जब आप इसको बंद कर दोगे तो आपका रैम फिर से खाली हो गया अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं जब जरूरत पड़ी प्रेजेंट में इसकी मेमोरी यूज हुई जब जरूरत खत्म हुई इसकी मेमोरी खत्म हो गई खाली हो गई तो रैम एक खाली डिब्बे की तरह होता है जब प्रेजेंट में हम काम करते हैं केवल उसी समय काम करता है उसके बाद ही खाली हो जाता इस वजह से रैम को एक नया नाम दिया जाता है रैम को वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है रैम एक किस प्रकार की मेमोरी है तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है लाइट गई डेटा गया बिजली नहीं है डेटा नहीं है बिजली का मतलब क्या होगा आपके मोबाइल फोन के अंदर जब तक चार्जिंग है तभी तक आप प्रेजेंट में चीजें देख सकते हो आपने ये वीडियो चलाई आप देख रहे हो एक बजकर सत्रह मिनट हो रहे हैं तुरंत एक बजकर बीस मिनट पर आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है और गया गयो फोन तो गयो फोन डिस्चार्ज हो गया खत्म उसके बाद जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाओगे पावर ऑन करोगे तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी वो बूटिंग कहलाती है आपका सबसे पहले लॉक स्क्रीन खुलकर आती है मतलब ये मान के चलो यहां पर 95 परसेंट बच्चों के फोन में लॉक लगा होगा लगा होगा तो लॉक स्क्रीन खुलकर आएगी फिर होम स्क्रीन खुलकर आएगी आपको क्या मैं ऐसी वीडियो में चलती हुई नजर आऊंगी पावर को ही ऑन करोगे नहीं आऊंगी ना सब गायब हो गया तो जैसे ही लाइट गई जैसे ही बिजली गई आपके सिस्टम की उसका डेटा भी गायब हो गया उसी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है वॉलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही बिजली चली जाती है बिजली लिखना समझना है आपको भाषा आप अपनी उसमें चेंज कर सकते हो जैसे लाइट गई वैसे ही डेटा भी चला जाता है इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है जब बहुत ही जल्दी इसके अंदर के डेटा चला जाता है इसी वजह से रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं रैम को कौन सी मेमोरी कहा जाता है रैम को अस्थाई मेमोरी कहा जाता है यह कुछ समय के लिए रहती है लाइट गई डेटा गया तो जाहिर सी बात है यह अस्थाई मेमोरी बन जाती है या टेम्पररी मेमोरी बन जाती है क्लियर है आगे चले क्लियर है भाई समझ में आया वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है क्योंकि कई बार वॉलेटाइल ही पूछ लिया जाता है आगे चलते है फिर और भी चीजों के बारे में यहां पर समझते हुए चलेंगे चलो आगे चलते हैं और भी चीजों के बारे में यहां पर देखते हुए चलेंगे इसके बाद रैम कितने प्रकार की होती है ये भी हमें पता होना चाहिए रैम के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रैम कितने प्रकार की होती है तो रैम होती है आपकी दो प्रकार की एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम डी रैम का भी एक प्रकार होता है एस डी रैम तो अभी हम सबसे पहले एस रैम के बारे में पढ़ेंगे कि एस रैम कौन सी मेमोरी होती है एस रैम क्या है तो पहली बात तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है ये एस रैम की अच्छा किसके लिए इस्तेमाल की जाती है क्या क्या होता है इसके अंदर स्टैटिक का मतलब पता है फिक्स जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता स्टैटिक शब्द का मतलब होता है फिक्स है क्यों फिक्स होती है तो इस मेमोरी में इस मेमोरी में डेटा ज्यादा देर तक रुकता है डेटा ज्यादा देर तक स्टोर रहता है और इस मेमोरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता परिवर्तन का मतलब पता है आपको चेंज नहीं किया जा सकता इस मेमोरी में चेंज नहीं किया जा सकता किया जा सकता बस इतनी सी बात थी पर क्या यह क्वेश्चन में आएगा नहीं क्वेश्चन में क्या आता है डेटा को सबसे तेज एक्सेस करने के लिए एस रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है एस रैम का इस्तेमाल डेटा को डेटा को सबसे तेज एक्सेस करने के लिए किया जाता है डेटा को सबसे तेज एक्सेस का मतलब होता है चलाने के लिए डेटा को सबसे तेज चलाने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछ सकता है आपसे और पूछा भी जाएगा कि कैश मेमोरी को क्रिएट किस मेमोरी के अंदर किया जाता है तो कैश मेमोरी पता है आपको कैश मेमोरी रैम की स्पीड को बढ़ाती है कैश मेमोरी को क्रिएट करने का काम क्रिएट का मतलब है बनाने का काम तो कैश मेमोरी को बनाने का काम एस रैम के द्वारा किया जाता है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैश मेमोरी किसके अंतर्गत आती है एस रैम में डी रैम में एस डी रैम में या इनमें से किसी में भी नहीं तो कैश मेमोरी को बनाने का काम एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कैश मेमोरी कोई बनाती है सबसे तेज डेटा को चलाने का काम इसका होता है और साथ ही में ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें डेटा ज़्यादा देर तक रुकता है और डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता साथ ही एक और चीज लिखना कि एस रैम के अंदर डेटा कहां स्टोर होता है कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है छोटे-छोटे ब्लॉक कौन से होते हैं? तो छोटे छोटे ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप होते हैं मतलब एस रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप वाले रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप नाम की छोटी छोटी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है चले आगे क्लियर है चलो आगे चले तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी यहां पर अगर मैं बात करती हूँ एस रैम के अंदर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर अच्छा एक और चीज इसके अंदर होती है कि ये कम ये कम बार रिफ्रेश होती है यह अपने आप को बहुत कम बार रिफ्रेश करती है रिफ्रेश का मतलब होता है बहुत कम समय लेती है बहुत कम समय बर्बाद करती है ये केवल काम पर फोकस करती है और किसी पे नहीं ठीक है आगे चलते हैं इसके बाद आता है आपका डी रैम डी रैम क्या होता है तो डी रैम पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म पता करेंगे डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की तो वही रहेगी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है किसकी डी रैम की फुल फॉर्म होती है अच्छा डी रैम का, का काम क्या होता है जरा पहले ये बता दो हाँ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर एस रैम के अंदर होते हैं बिल्कुल सही होते हैं बताइए जरा फटाफट पड़ से डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल ठीक है इसके बारे में इसका काम बताओ पहले डायनामिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करती हूं का मतलब होता है परिवर्तन होना डायनामिक डायनामिक पर्सनैलिटी अभी तो ये कह रहा था अभी ये कह रहा है डायनामिक मतलब इसमें चेंज होते रहते हैं तो डायनामिक का ही मतलब यहां पर होता है कि भाई चेंजेबल तो डी रैम का, का काम क्या होता है ये अपने आप को डी रैम यह अपने आप को एक मिनट में हजार बार रिफ्रेश करती है बताओ कितना समय तो इसका रिफ्रेश करने पर ही चला जाता है यह अपने आप को एक मिनट में एक हजार बार रिफ्रेश करती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या इसमें डेटा टिक पाएगा बिल्कुल भी नहीं भी बार बार रिफ्रेश कर रही है डेटा हमेशा चेंज होगा जिसकी वजह से इसके अंदर चेंज या इस मेमोरी के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी वजह से इस मेमोरी के अंदर चेंज या फिर परिवर्तन परिवर्तन हो सकता है क्या हो सकता है इस मेमोरी के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है ये डी रैम की बात हो रही है चेंज करता रहता है बार बार रिफ्रेश करता रहता है अच्छा किसके लिए इस्तेमाल करते होंगे फिर डी रैम का चलो वो तो कैश को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है डी रैम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो हमें चेंजेस कहां कहां देखने को मिलते हैं बताओ तो डी रैम का इस्तेमाल कहां कहां होता है इसका यूज होता है जब भी आप कोई वीडियो गेम खेलते हो जब भी आप किसी प्रकार का कोई गेम खेल रहे हो गेम में चेंजेस देखते हो आप रैंडमली जैसे एक गेम उठा लो कौन सा गेम उठा ले पबजी को उठा लो या कोई भी उठा लो चेंज होता है ना अभी यहां पर बंदूक लेके खड़े थे अभी तुरंत यहां पर हो गए चेंजेस हुए नहीं हुए भाई मेमोरी में और आपके प्रेजेंटेशन में चेंज हो रहा है ना एक ही चीज थोड़ी ना दिखाई जा रही है आपको चेंजेस हो रहे हैं फ्लक्चुएशन हो रहे हैं नेट तेज चल गया तो तेज हो रहा है नहीं तो लोडिंग पे लग गया किसी भी प्रकार का आप एंटरटेनमेंट चीजें देखते हो किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट कोई भी आप कुछ भी देख रहे हो या कोई मूवीज देख रहे हो या कोई पिक्चर्स देख रहे हो ऐसी चीजें जिसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार रिफ्रेश हो रही है बार बार पिक्सल सेट किए जा रहे हैं तो ये आपका यहां पर डी रैम इस्तेमाल होता है तो डी रैम का इस्तेमाल होता है जब आप गेम खेलते हो तब जब एंटरटेनमेंट अभी भी जो आप वीडियो देख रहे हो ना ये डी रैम के ऊपर चल रही होगी क्यों चल रही होगी डी रैम के अंदर क्योंकि बार बार चेंजेस हो रहे हैं अभी मैंने लिखा फिर मैं हिली फिर मैंने लिखा फिर मैं यहां पर खड़ी हो गई फ्लक्चुएशन चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस कहां पर Uh, कहां पर आपके संभव होते हैं तो केवल और केवल डी रैम के अंदर संभव होते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर संभव होते हैं ठीक है आगे चले तो डी रैम के सेल में यहां पर एक और चीज लिखना आप इंपॉर्टेंट है डी रैम के डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के डी रैम के सेल में अब इसके अंदर डेटा कहां कहां स्टोर होता होगा तो डी रैम के सेल में ट्रांजिस्टर डी रैम के सेल में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं तो डी रैम में क्या होता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में फ्लिप फ्लॉप होता है याद रखना फ्लिप फ्लॉप एस रैम में होता है और ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल कहा किया जाता है तो डायनामिक डी रैम के अंदर किया जाता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर किया जाता है चले आगे क्लियर है आगे चलते हैं और भी चीजों को यहां पर देखते चलेंगे इसके बाद क्या आता है तो भाई डी रैम का एक और भी तो हिस्सा है एस डी रैम समझ में आया या नहीं आया बातें कर, कर रहे हो भाई पढ़ तो रही नहीं हो एस डी रैम की फुल फॉर्म बताना चाहूं जरा बताओ पढ़ रहे हो तो ये क्लियर हो गया डी रैम क्लियर हो गया आपका जरा मुझे एस डी रैम की फुल फॉर्म बता दो वॉट इज दी फुल फॉर्म ऑफ एस डी रैम एस डी रैम क्या है तो एस डी रैम डी रैम का ही एक हिस्सा है या लिख सकते हो आप डी रैम डी रैम का एक प्रकार है एस डी रैम क्या है डी रैम का एक प्रकार है इसका काम क्या होता है तो यह अपने आप को यह अपने आप को सिस्टम क्लॉक के साथ जैसे जैसे सिस्टम चलेगा सिंक्रोनाइज करता रहता है वैसे वैसे ये भी चेंज होता रहेगा। सिंक्रोनाइज़ या सिंक्रोनस करता है जैसे जैसे सिस्टम चलेगा वैसे वैसे इसके अंदर भी चेंजेस होते चले जाते हैं या आप ये कह सकते हो डी रैम की गति को मापने के लिए एस डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं भाई डी रैम की गति को डी रैम कैसे काम कर रहा है डी रैम की स्पीड को मेजर करने के लिए डी रैम की स्पीड को या गति को मेजर करने के लिए एस डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी पूछा था मैंने फुल फॉर्म होती है इसकी सिंक्रोनस सिंक्रोनस डायनामिक सिंक्रोनस डायनामिक और रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फुल फॉर्म होती एस डी रैम की ये डी रैम का ही प्रकार होता है एस डी रैम के अंदर आता है ठीक है पूछ लो क्वेश्चन जितना मैंने यहां तक पढ़ाया है आपको लिख रहे हो बताओ पहले तो थोड़ा स्लो लो मतलब स्लो चलूं और अगर नहीं लिख रहे हो तो बताओ फिर थोड़ा सा तेज चलते हैं क्लियर है अच्छा एस डी रैम के अंदर दो चीजें आती हैं एस डी रैम की जो चिप होती है ना ये दो फॉर्म में आती है एक आती है डी डी आर टू और एक आती है डी डी आर थ्री फुल फॉर्म क्या होती है तो डी डी आर का मतलब होता है डबल डेटा रेट डबल डेटा रेट टू इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर चार चार बिट डेटा को पढ़ने के लिए डीडीआर टू का इस्तेमाल होता है ये कंप्यूटर में चार बिट डेटा को पढ़ सकती है चार चार बिट डेटा को एक साथ उठाती है और पढ़ के उसको दिखा देती है DDR की फुल फॉर्म भी डीडीआर की तो यही होगी डबल डेटा रेट डबल डेटा रेट थ्री आजकल यही इस्तेमाल हो रहे हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए ये आठ आठ बिट को डेटा को उठाती है भाई चार बिट से दुगना काम कर रही है नहीं कर रही है तो कंप्यूटर की मेमोरी में आठ बिट डेटा को उठाकर काम करने के लिए डी थ्री का इस्तेमाल किया जाता है और चार बिट डेटा को उठाकर काम करने के लिए DDR2 टू का इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों एस डी रैम के चिपके ही प्रकार होते हैं हालांकि आपको जब मार्केट में जाओगे तो वहां पर रैम के प्रकार भी दिखा दिया जाता है कि डी लोगे या डीडीआर लोगे या डी डी क्लियर है लिख लिया स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना फटाफट पड़ से फिर आगे चलेंगे क्लियर है तो ये चार बिट को या लिख सकते हो आप ये चार शब्द को एक तरीके से चार शब्द लिख लो ये चार शब्द को एक बार में रीड करता है और ये आठ शब्द को एक बार में रीड करता है या चले आगे क्लियर वेरी वेरी गुड क्लास डेली होती है डेली दोपहर एक बजे होती है क्लास ठीक है दोपहर डेली एक बजे होती है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो एस डी रैम भी हो गया तो प्रॉपरली हमने रैम के बारे में चीजें यहां पर पढ़ी कि रैम क्या होता है उसके बारे में सारी चीजें अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लू आपसे यहां पर बताना है आपको फटाफट से क्वेश्चन नंबर वन अभी मैंने जितना पढ़ाया उसके बारे में बताओ एक बार जल्दी से मुझे कैश मेमोरी कैश मेमोरी किस मेमोरी में इस्तेमाल होती है या किस मेमोरी के अंतर्गत आती है कैश मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आती है बताना जरा क्या होगा इसका आंसर जरा मैं देखू तो सही पढ़ भी रहते यार क्या ही हो रहा है बताइए जरा फटाफट पड़ से कैश मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आती है बिल्कुल ठीक है रैम नहीं रैम के अंदर का पार्ट बताओ इतना अंदर तक पढ़ा है आपने कैश मेमोरी को बनाने का काम होता है एस रैम का अभी और भी क्वेश्चन करेंगे आगे आगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल होता है कि कैश मेमोरी को जनरेट करती है या फिर क्रिएट करती है ठीक है चलो आगे चले नेक्स्ट रोम के बारे में देख लेते हैं अब सेकेंड यहां पर प्राइमरी मेमोरी आती है रोम रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी अच्छा हिंदी इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं है अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो मैं पर्सनली आप लोगों को यह बोलूंगी कि कंप्यूटर कोशिश करो कि इंग्लिश में भी चीज़ों को समझो नहीं तो इतनी घनिष्ठ इतनी खतरनाक इतनी आपत्तिजनक हिंदी दिख जाएगी ना आपको कि समझ नहीं पाओगी हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना जरूरी है कंप्यूटर की कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में समझ में आती हैं हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में समझ में आती हैं पेपर के अंदर इंग्लिश का ही हिंदी बनाकर दे दिया जाता है नहीं तो हिंदी बहुत ही खतरनाक देता है ठीक है अगर आप बोलोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ा सा टाइम चला जाता है अदरवाइज मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगी ठीक है तो आ, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है तो ये होती है आपकी रोम की फुल फॉर्म मेमोरी चलो अब ये किसके लिए इस्तेमाल होती है ये क्या काम करती है रोम का काम क्या होता है तो मैंने आपको बताया रैम वर्तमान काम का मतलब वर्तमान के काम को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है रोम का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है लंबे समय तक के लिए अगर मैं आपको यहां पर रोम की चिप दिखाऊं जो कि मदर बोर्ड पर लगी होती है तो ये कैसी दिखेगी कुछ कुछ ये कुछ कुछ ऐसी दिखेगी ये रोम की चिप है ये छोटी छोटी दिखाई दे रही है ये रोम की चिप होती है आपको पता है इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब जैसे ये कैपेसिटर होते हैं और जो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं वो ट्रांजिस्टर होते हैं अभी मैं उसकी भी पिक्चर आपको यहां पर दिखाऊंगी साइड में बनी हुई है आपकी रोम रोम का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर को हिंदी में कहते हैं संग्रहित अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है हालांकि दोनों भाषाएं पढ़ा करो डेटा को संग्रहित करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है इसी वजह से जब ये डेटा को स्टोर करेगी तो रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्वेश्चन पूछ लेता है वॉलेटाइल किसे कहते हैं रैम को या रोम को कंफ्यूज मत होना क्यों नहीं होना क्योंकि मैं आपको बताऊंगी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी रोम को कहा जाता है क्यों क्योंकि ये मेमोरी को स्टोर करके रखेगी लंबे समय तक चाहे आपके कंप्यूटर की बिजली चली जाए अगर बिजली नहीं है तो भी डेटा बरकरार रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करती ये क्लास खत्म हो गई आपने इस क्लास को डाउनलोड कर लिया भाई कंप्रेस करके सपोज़ ये 300 MB में डाउनलोड अब आपने इस क्लास को डाउनलोड करके अपनी मेमोरी के अंदर रख दिया अब आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है ठीक दो बजे खत्म हो गई अब जब भी आप अपने फोन को चार्ज करोगे क्या जो वीडियो आपने डाउनलोड करके रखी थी वो खत्म हो जाती है गायब हो जाती है नहीं होती क्यों क्योंकि रोम के अंदर वो सेव थी रोम एक नॉन वॉलीटाइल मेमोरी होती है चाहे आपके सिस्टम की लाइट चली जाए आपके सिस्टम के अंदर बैटरी ना बचे फिर भी डेटा बरकरार रहता है इस वजह से रोम को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है इस वजह से रोम को परमानेंट मेमोरी या हम इसको हिंदी में बात करते हैं तो स्थाई मेमोरी के रूप में जानते हैं ये होता है रोम रीड ऑनली मेमोरी इसको कहा जाता है क्लियर है बस इतनी सी बात थी इसके अंदर यही होता है ये नॉन वॉलेटाइल होती है परमानेंट होती है स्थायी होती है डेटा को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अब आता है आपसे पूछा जाएगा कि भाई रोम कितने प्रकार के होते हैं रोम कितने प्रकार के होते हैं हाउ मैनी टाइप्स आर रोम आर देयर इन अ कंप्यूटर तो रोम होते हैं तीन प्रकार के पहला होता है आपका पी रोम अभी फुल फॉर्म भी देखेंगे आगे चलकर इसकी दूसरे नंबर पर आता है आपका ईपी e. रोम और तीसरे नंबर पर आता है आपका डबल ईपी e. अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उसको आगे चलकर देखते हैं ठीक है लिख लिया बट इसको बना लेना हमको अंग्रेजी नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को एक बात बताओ कि आता तो कुछ भी नहीं था हमको क्या कुछ आता था भाई जब मैं भी पांचवी छठी सातवीं में रही होंगी तो मुझे थोड़ी ना कुछ आता होगा या आप बताओ आपको कुछ आता होगा इतनी बड़ी बड़ी चीजें थोड़ी ना बताती हमको नहीं बताती हमको केवल एबीसीडी आती थी और बचपन में तो एबीसीडी भी नहीं आती थी तो क्या सीखना छोड़ देते कि नहीं पढ़ाओ मम्मी मुझे नहीं आता तो मम्मी लगाती थी क्या पिटाई और अब पिटाई नहीं लगती है इसलिए आप सीखते नहीं हो चीजों को आपने अपने आप को अंदर से जिद्दी बना दिया नहीं मैं तो ऐसे नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ूंगा अरे भैया सीखोगे तभी तो पढ़ोगे आप कैसे अलग बनोगे फिर लाखों बच्चों में से हजारों में कैसे आओगे जब पढ़ोगे ही नहीं तो ठीक है तो ये चीजें मत बोलना क्लास के अंदर कभी भी कि मुझे नहीं आती है ये चीजें सीखोगे नहीं तो फिर आएंगी कैसे तो ये होती है तीन प्रकार की रोम तीनों प्रकार मैंने यहां पर लिख दी स्टार्ट करते हैं पहले वाले प्रकार के साथ तो नंबर वन लिखना यहां पर पी रोम फुल फॉर्म क्या है फुल होती है programmable, programmable पी रोम की पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसकी फॉर्म होती है जितना पूछेगा उतना ही पढ़ना है अपने को ठीक है बहुत ही अच्छे से उसको कवर करना है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी जब कंप्यूटर के सिस्टम को बनाया गया जब कंप्यूटर बना या जब मोबाइल फ़ोन बनी हालांकि मोबाइल फ़ोन तो खैर बहुत बाद में बने थे पांचवी जनरेशन के अंदर जब कंप्यूटर को बनाया गया तो ये सोचा गया कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैसे रखी जाए और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लाने के लिए कौन जिम्मेदार है किसको कहा जाता है भाई कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कौन लेकर आया तो जॉन वॉन न्यूमन जॉन वॉन न्यूमन ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को लेकर आए थे उन्होंने सोचा कि भाई कंप्यूटर में गणना तो करते हैं मेमोरी भी स्टोर की जा सकती है तो पहली बार जब कंप्यूटर के अंदर ऐसी चिप डाली गई कि जिसमें मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है तो वो पी रोम की थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर केवल एक बार डेटा जिसके अंदर केवल एक बार डेटा राइट किया जा सकता है राइट का मतलब है डाला जा सकता है जिसके अंदर केवल एक बार डेटा डाला जा सकता है फिर केवल उसे फिर केवल उसे रीड ही कर सकते हैं यहां पर कंप्यूटर की भाषा में रीड का मतलब होता है देख सकते हैं फिर केवल उसे देखा ही जा सकता है देखा ही जा सकता है इन शॉर्ट बोलना यह चाह रहा है कि पी रोम के अंदर जो डेटा एक बार चला गया उसको आप कभी डिलीट नहीं कर सकते पी रोम के अंदर के डेटा को पी रोम की मेमोरी को पी रोम के अंदर की मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता डिलीट नहीं किया जा सकता इस वजह से इसको ओ कहा जाता है अब ओ वो मत बना देना वन टाइम पासवर्ड इस वजह से इसको ओ कहा जाता है ओ की फुल फॉर्म यहां पर है वन टाइम प्रोग्रामेबल केवल एक ही बार इसके अंदर प्रोग्राम जा सकता है उसके बाद आप इसके अंदर के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं एग्जाम्पल लेना आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा और आपको दुकानदार ने बोला कि भैया इसकी मेमोरी भर जाएगी तो फिर आप डिलीट ही नहीं कर सकते सपोज आपने कोई फोटो खींची अब वो डिलीट ही नहीं हो सकती जिंदगी में कभी भी फिर क्या करोगे लोगे ऐसा फ़ोन बिल्कुल नहीं सपोज मैंने फोन लिया चौंसठ जीबी उसके अंदर रोम थी मैंने बहुत सारी फोटो क्लिक कर ली हजार पंद्रह सौ इतनी तो हो ही जाती हैं उसके बाद मूवी डाउनलोड कर ली पीडीएफ डाउनलोड कर ली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ली अब मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई अगर मैंने पीरोम चिप लगाई होती या मेरे फ़ोन के अंदर पीरोम होता तो जो चीज़ मैंने एक बार डाउनलोड कर ली वो हो गई अब वो हिलेगी नहीं ना उसको डिलीट कर सकते आप क्योंकि वो नॉन डिलीटेबल थी तो पहले के टाइम में तो यही बड़ी बात थी कि भाई कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जिसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकें ठीक है तो पहले ये चीज़ आती है फिर लोगों को बाद में जाकर एहसास होता है कि भाई ये तो वन टाइम प्रोग्रामेबल है जैसे यूज एंड थ्रो वाले पेन होते हैं तीन रुपए के पेन इस्तेमाल किया खाली हो गए अब फेंकना पड़ेगा कोई और चारा ही नहीं आपके ऊपर है होता है अभी मत बोला हम फूक मार मार के सियाही भर देते हैं वो अलग केस है तो यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते एक बार मेमोरी फुल हो गई तो मेमोरी डिलीट नहीं होगी फिर ये वेस्ट हो गया फिर इसको रखो इकट्ठा करते रहो तो ये इतनी कारगर नहीं हुई थी इसलिए इसको चेंज करके दूसरी चिप लाई जाती है और दूसरी चिप आती है ईपी रोम नाम की इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी भाई हिंदी में लिख लोगे या लिखूं हां लिख लोगी इरेजेबल, इरेजेबल इसे लिखो ऐसे इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी कौन सी तो ये कहलाती है इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी अब इसके नाम में इरेजेबल है तो जाहिर सी बात है इसकी मेमोरी को डिलीट किया जा सकता है हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ईपी e रूम के बारे में इरेजेबल इसके नाम में इरेजेबल है मतलब ये तो मिटेगी कुछ तो गड़बड़ है दया नाम में ही इरेजेबल है तो यहां पर क्या होता है ये वाली मेमोरी मिट सकती है मिट जाएगी ये लेकिन कैसे मिटेगी तो इसके अंदर के डेटा को इसके अंदर की इसके अंदर के डेटा को यूवी किरणों से यूवी किरणों का मतलब क्या है अल्ट्रा वॉयलेट रेज से यूवी किरणों से मतलब अल्ट्रा वॉयलेट रेज से या अगर मैं बात करती हूं तो पैराबैंगनी किरणें कहते हैं हिंदी में पैराबैंगनी पैराबैंगनी किरणों से डेटा को या इसके अंदर के डेटा को यूवी रेज अल्ट्रा रेज पैराबैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है मिट जाएगा डेटा कोई दिक्कत नहीं है डेटा बहुत ही आराम से डिलीट होगा इसके अंदर का डेटा डिलीट हो सकता है लेकिन कैसे होगा यूवी रेज के कारण अब मुझे एक बात बताओ चलो ठीक है पहली वाले से तो ही सही थी अब सपोज मैंने एक फोन खरीदा वो भी चौसठ जीबी का खरीदा इस बार मैंने ऐसी रोम की चिप खरीदी जो कि ईपी रोम पे काम करती थी मैंने जो भी डेटा स्टोर किया अब मेरे को डिलीट करना है जैसे मैंने कोई फोटो क्लिक करी अच्छी नहीं आ रही है या मेरे को अच्छी नहीं लग रही है या मैंने कोई पीडीएफ डाउनलोड करी मैंने सॉल्व कर ली अब मेरे को डिलीट करनी है तो पहले मैं अपने फोन के अंदर की रोम की चिप निकालूंगी और फिर उसको अल्ट्रा वायल्ट किरणों के, के सामने पंद्रह मिनट तक रखूंगी फिर डेटा डिलीट होगा फिर फोन के अंदर लगाऊंगी आप कर सकते हो इरिटेट हो जाओगे एक टाइम पर फोन भी फेंक दोगे और चिप भी फेंक दोगे होता है ना ऐसा क्या आप हर एक चीज को डिलीट करने के लिए पंद्रह पंद्रह मिनट तक उस चिप को निकाल कर अल्ट्रा वायलेट रेस के सामने लगाओगे नहीं तो यह भी इतना कारगर नहीं हुआ हालांकि कुछ समय तक लोगों ने यूज करा फिर लोगों को लगा कि नहीं नहीं बात नहीं बन रही भाई बार बार निकालना बार बार लगाना ये बस की बात है नहीं उसके बाद तीसरा टाइप आता है या तीसरी चीज को बनाया जाता है उसके बाद आती है आपकी डबल ईपी रोम डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अब इसके नाम में आ गया इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली बिजली इसके अंदर। अब नाम में बिजली आ गई, तो काम में भी बिजली आ जाएगी जैसे अब इसके अंदर क्या होता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर के डेटा को डिलीट किया जा सकता है और किसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मतलब बिजली की मदद से आप लिखो इसको प्रॉपर तरीके से बिजली की मदद से बिजली की मदद से तुरंत डेटा को बिजली की मदद से तुरंत डेटा को डिलीट करने के लिए तुरंत डेटा को डिलीट का मतलब है मिटाने के लिए हटाने के लिए डिलीट करने के लिए डबल ईपी रोम का इस्तेमाल किया जाता है और यही आजकल समय में इस्तेमाल हो रही है जैसे बिजली का मतलब क्या है जब तक हमारे फोन में चार्ज है, हम कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं हमें कोई फाइल अच्छी नहीं लगती आपने बहुत देर तक प्रेस करा डिलीट का ऑप्शन आया डिलीट कर दिया गायब होता है ना ऐसा ये सब चीजें होती हैं अच्छा मुझे बताओ अब ये चीज आई गई है तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं साइड में शॉर्ट अगर आपको कोई डेटा परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है जरा मुझे बताओगे अब ऐसे दिमाग में जो भी चीजें आ जाए ना तुरंत रिकॉल कर लिया करो तभी चीजें याद रहती हैं आगे टाइम तक ठीक है ये तो समझ में आ गया आपको अब डबल ईपी रोम का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग बिजली हमारे फोन में जब तक बैटरी रहती है हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं सेव कर सकते हैं हटा सकते हैं भगा सकते हैं तो अब डबल ई रोम का इस्तेमाल हो रहा है सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है पेन ड्राइव सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है पेन ड्राइव पेन 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 ड्राइव ठीक है मैं बात कर रही थी परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताना जरा फटाफट से किसी भी डेटा को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए जरा फटाफट से क्या आंसर आएगा इसका कंट्रोल प्लस डी वाह फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहां से खोलोगे हा ऑल्ट प्लस डिलीट क्या बात है भाई वेरी गुड संजिता जी और शिफ्ट के साथ डिलीट खतरनाक ही करके मानोगे हाँ शिफ्ट के साथ डिलीट वेरी गुड जिनका भी आंसर आया शिफ्ट के साथ डिलीट करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकेन्द्र जी बिल्कुल सही आंसर है अलारा अलारा जी बिल्कुल करेक्ट है बाकी और बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे आप के साथ डिलीट और निकाल दो कुछ शॉर्टकट की आपने शिफ्ट के साथ डिलीट वाले बटन को दबाने पर कोई भी डेटा परमानेंटली डिलीट चला जाता है फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा डायरेक्टली डिलीट हो जाता है परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है लिख लेना ठीक है तो बस इतनी सी बात है तो ये आपका यहाँ पर ईपी रोम डबल ईपी रोम भी कंप्लीट हो जाता है और अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अभी तो रोम की चिप रह रही है बायोस और सीमोस तो ये चीज मैं कल करवाऊंगी बायोस क्या होती है सीमोस क्या होती है को जो चीजें बच गई जो कि अभी तो थोड़ा अंदर का मामला बचा हुआ है वो हम कल करेंगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी ये आपको बताना है और ढूंढ के लेकर आना है कहीं से भी लेकर आओ ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है यहां पर एक क्वेश्चन में आपको देते मेमोरी से रिलेटेड किस मेमोरी को किस मेमोरी को रैम और रोम किस मेमोरी को रैम और रोम दोनों कहा जाता है किस मेमोरी को रैम और रोम दोनों कहा जाता है इसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर देना है और क्लास अगर अच्छी लगा करे इंफॉर्मेटिव लगा करे नई चीजें अगर आपको सीखने को मिल रही हैं क्लास में तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो याद रखिए रोज क्लास होती आपकी कंप्यूटर की रोज दोपहर एक बजे आपको क्लास से जुड़ जाना है चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए मैं आऊंगी और आप भी आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए इसी के साथ अपने आज के सेशन को हम लोग यहां पर करते हैं एंड तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक दोपहर एक बजे उसी के साथ यहां पर जितने भी हरियाणा वाले स्टूडेंट्स हैं हरियाणा एग्जाम की प्रैक्टिस या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन इवेंट आने वाला है एक लव्य का एक ऐसा इवेंट जैसे एक लव्य ने पूरी एकाग्रता के साथ अपने एम को अपने उद्देश्य को या उसका एक निशाना साधा था और बहुत ही अच्छे से तैयारी करी थी तो क्या आप ऐसी खतरनाक तैयारी के लिए तैयार हैं तो जितने भी स्टूडेंट से मैं कहूंगी हरियाणा के हैं या नहीं भी हैं आप कोई भी स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इस एक अप्रैल या एक अप्रैल में आप सभी को जुड़ना है हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर देखने के लिए कि क्या है एक, एक लव्य या फिर क्या है विद्यार्थियों का बदलता स्वरूप मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक दोपहर एक बजे मेमोरी के आगे वाले पार्ट को देखते हुए बायोस सीमोस चिप के बारे में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत